हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एंडीजान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उज्बेकिस्तान में है और उसका मैं आपको हॉस्टल मेस बच्चे कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, हॉस्टल की क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद ही जाके आ चुका हूँ यहाँ से और आप ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो हॉस्टल है ये एंडीजान का हॉस्टल है, ये आप देख रहे हैं और यहाँ से हम इंटर करते हैं। ये नई हॉस्टल है और इसके सामने एक और बन रहा है, तो पहले मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, देन उसको दिखाऊंगा जो नई बन रहा है, जो आप बच्चे जाएंगे वो रहेंगे। तो ये आप देखिए ये एंट्री पॉइंट है और इसके नीचे यहाँ पे ये मेस है, तो मेस में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि मेस का क्या व्यवस्था है, बच्चे कैसे खाते हैं, क्या इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए ये स्टूडेंट है एंडीजान में, देखिए ये बैठने का व्यवस्था है और यहाँ पे ये देखिए ये जो है, हाँ यहाँ पे आपको फूड जो है यहाँ पे फूड मिलता है और बच्चे यहाँ से लेते हैं और ये बैठ के खाते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं। ये एंडीजान का मेस की व्यवस्था है, खाना इंडियन फूड और अच्छा खाना मिलता है ओनली $100 में वन मंथ। तो क्योंकि यहाँ से बच्चे बनाने में थोड़ा ये है कि किचन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बच्चा खुद भी बना के खा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो यहाँ आएंगे और $100 मंथ का देना है। यहाँ देखिए प्लेट लेके आए बच्चे और यहाँ प्लेट में ये सारे ये रख देंगे, ठीक है, आप जितना खा सकते हो और फिर आप खा सकते हैं। तो ये तो मेस का व्यवस्था हुआ और मैं आपको मेस के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो ये देखिए, ये आप जो गेट देख रहे हैं ये एंट्रेंस गेट है इसका, ठीक है। और जो स्टूडेंट घूम रहे हैं हमारे स्टूडेंट है जो भेजे गए हैं, इसका नाम दानिश है। और ये देखिए ये जो हॉस्टल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नया हॉस्टल बन के तैयार हो रहा है, जो आप जो बच्चे जाएंगे उनके लिए अलॉट होगा। पूरी तरह से नया 5-6 फ्लोर का है और पूरी तरह से नया है और इसका डेकोरेशन वगैरह किया जा रहा है, अभी मतलब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने जो बच्चे रह रहे हैं ये इस हॉस्टल में रह रहे हैं, जो नया हॉस्टल है वो अभी बन के अभी रेडी नहीं हुआ पूरी तरह से। तो ये तो हॉस्टल है जहां आप लोग जाएंगे और देखिए ये जो अभी जो बच्चे रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एंट्रेंस है और ये शीशे का दरवाजा लगा है, ये रिसेप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये घड़ियां देख रहे हैं जो अलग अलग घंटी का वो दिखाता है, ये देखिए। और ये इनका जो है ये किचन है, यहाँ पे बच्चे खाना बना सकते हैं और बैठ के यहाँ खा सकते हैं। ये एंडीजान में फैसिलिटी है कि किचन फैसिलिटी है, बच्चे अपना माइक्रोवेव लगाए और यहाँ पे खाना बनाए, ठीक है, और आराम से बैठ के खाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर ये फैसिलिटी दिया गया है यहाँ, क्योंकि हर जगह नहीं है, हर जगह मेस में आपको काटा जा रहा है, 12 महीने का मेस लिया जा रहा है, वो दिक्कत है। ये देखिए तो ये और रूम भी है, रूम में 4 स्टूडेंट रहते हैं, टॉयलेट बाथरूम जो है वो सेपरेट है। और ये देखिए कपड़ा धोने के लिए भी अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये बच्चे यहाँ पे अपने वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं और वहां पे कपड़े जो है धो लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा नजारा है, ये उज्बेकिस्तान एंडीजान का ही है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं खुद विजिट कर चुका हूँ यहाँ पे और पढ़ाई के हिसाब से भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये एंडीजान, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।